الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطاء الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم ثم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم اللہ کی حمد و ثنا ذکر جناب مصطفیٰ علی تحیات و ثنا عرض کرنے کے بعد قابل سعد احترام میرے بزرگوں نوجوان بھائیو عزیز بچوں قابل قدر ماں اور بہنوں ماہ مقدس سفر المظفر شریف کا ہے اتفاق سے آج اس ہستی پاک کا عرس پاک ہے جو اللہ کے ولیوں میں برے صغیر میں سب سے ممتاز نظر آتی ہے برے صغیر پاک و ہند میں جو اسلام آیا ہے وہ کسی مجاہد کی وجہ سے لشکر اسلام کی وجہ سے فتوحات اسلامی کی وجہ سے نہیں بلکہ اولیاء کرام اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جن کی نگاہ سے لوگوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ معرفت الہی نصیب ہوئی جن کی وجہ سے برے صغیر پاک و ہند میں اسلام کی دولت لوگوں کو نصیب ہوئی ان میں سر فرست میرے داتا علی حجویری کی ذات پاک نظر آتی ہے سن 400 ہجری میں اس برے صغیر پر غزنوی کے بادشاہ نے کئی حملے کیے محمود غزنوی کے حملے مشہور ہیں تاریخ کے اندر کہ سن 400 ہجری میں
उसके हमले गजनवी से सोमनाथ के मंदिर तक 17 हमले उसने किए जिसमें वो नाकाम रहा। लाहौर को भी फतह किया, पंजाब के बड़े बड़े शहरों को फतह किया, जमीन पर हुकूमत चलाई लेकिन लोगों के दिलों पर हुकूमत ना कर सका और सोमनाथ के मंदिर को फतह करने के लिए 16 हमले नाकाम हो चुके तो फिर उसने अपने गुलाम को भेजा हजरत अबुल सरखरकानी के पास कि उनसे इजाजत मांग, मैं उनकी बारगाह में हाजिर होना चाहता हूं। गुलाम के जाने से पहले फिर दिल में ख्याल आया कि गुलाम जाएगा और आएगा, मैं खुद गुलाम बनकर जाऊं और अल्लाह के बंदे की निगाह का असर देखूं। महमूद ने लबासे गुलामाना पहना और फकीर की झोंपड़ी में चला गया। हजरत अबुल सरखरकानी ने देखकर कहा कि क्यों आए हो? कहा कि बादशाह गजनवी का ताजवर आपकी बारगाह में हाजिर होना चाहता है, इजाजत देने के लिए आया हूं कि महमूद ने मुझे कहा कि इजाजत देकर आओ। अल्लाह के बंदे की निगाह तो दूर तक देखती है, आपने फरमाया एक महमूद तो मेरी बारगाह में हाजिर है, अब किस महमूद ने आना है? बस ये बात कहने की देर थी कि महमूद की गर्दन झुक गई। अर्ज की, हजूर अगर आपने पहचान लिया है तो इस गर्ज से आया हूं कि 16 हमले कर चुका, नाकामी नाकामी है, आपकी बारगाह में हूं, आप अल्लाह के वली हैं, कामिल हैं, दुआ फरमाएं। हजरत अबुल सरखरकानी ने अपना कुर्ता जो था वो फटा पुराना कुर्ता आपने अता कर दिया, फरमाया जा महमूद, जो भी दुआ करेगा अल्लाह उसे कबूल करेगा। महमूद गजनवी आया, अल्लाह के बंदे के कुर्ते के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह ये तेरा बरगुजीदा बंदा जिसका ये कुर्ता है, इस कुर्ते के सदके मुझे फतह अता फरमा। वही फौज जो नकारा हो चुकी, कमजोर हो चुकी, समाने हर पास नहीं रहा, 16 मर्तबा हमले कर चुका और नाकाम रहा, जब अल्लाह के बंदे के कुर्ते के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो फिर वही फौज कुव्वत वाली बन गई, बगैर साजो सामान के हमला किया तो अल्लाह ने कामयाबी अता कर दी। फतह के बाद महमूद पलटा हजरत अबुल सरखरकानी के पास, हजूर करम हो गया, फतह हो गई। फरमाया महमूद तूने दुआ क्या की थी? अर्ज की, हजूर मैंने दुआ ये की कि या अल्लाह इस कुर्ते के सदके मुझे फतह अता फरमा, अल्लाह ने मुझे फतह दी। हजरत अबुल सरखरकानी ने फरमाया तूने मेरे कुर्ते की तोहीन की है, अगर आज ये दुआ करता कि या अल्लाह इस कुर्ते के सदके पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान कर दे तो मेरा अल्लाह पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान कर देता। तो बड़े सगीर पाक को हिंद में इस्लाम तलवार से नहीं फैला, अल्लाह के बंदूक की निगाह से फैला है। वो अबुल सरखरकानी का कुर्ता, फटा पुराना लबास महमूद गजनवी के लिए वो भी मुश्किल कुशा बन गया और नबियों और वलियों के कपड़े ये मुश्किल कुशा हैं। मैं नहीं कहता,
قرآن عظیم نے بیان کیا. تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ جو بنی اسرائیل کے پاس وہ ایک صندوق تھا جس میں کسی نبی کا عمامہ، کسی کی چادر، کسی کی نعلین. بنی اسرائیل جب بھی کچھ کام کرنا چاہتے اس کو سامنے رکھتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ قبول کرتا. جب ان کی بربادی آئی تابوت سکینہ کو وہ گما چکے، ضائع کر چکے، پھر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. تو نبیوں کے کپڑے بھی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی حیا کرتا ہے. وہ کرتا جو یوسف علیہ السلام نے بھیجا تھا، جس کو قرآن عظیم نے بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ میرے باپ کا کیا حال ہے، کہا وہ تو تیری جدائی میں رو رو کے نبی نہیں ہو چکے ہیں، 40 برس روتے رہے، آنکھوں کی بنائی جاتی رہی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کے دیا، جو جسم یوسف سے مست تھا. کپڑا تو وہ عام بنا ہوا تھا، لوگوں کے اور بھی کپڑے تھے، لیکن وہ کرتا تھا جو یوسف علیہ السلام کے جسم سے مست ہوا تھا. فرمایا اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیض لے جاؤ اور جا کر میرے باپ کی آنکھوں پہ لگانا. والکو ابی ایات بصیرا، بس لگانے کی دیر ہے کہ بنائی واپس آ جائے گی. وہ کرتا مصر سے چلا تھا تو یوسف علیہ السلام کے باپ کنعان میں اپنے بچوں سے کہنے لگے، اگر مجھے یوسف کی محبت کا تانا نہ دو تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انی ریحا یوسف، مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کرتا بھی مصر میں تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ نبی تو ہے جو بتا رہا ہے کہ اگر محبت یوسف کا تانا نہ دو تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یوسف علیہ السلام نے کرتا دیا تھا کہ میرے باپ کی آنکھوں پہ لگاؤ، ابھی یات بصیرہ، بنائی آ جائے گی. تو کرتا کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر تھوڑا ہی تھا، وہ کوئی آئی اسپیشلسٹ تھوڑا ہی تھا کہ وہ آنکھیں بناتا تھا. کرتا تھا، کپڑا تھا، لیکن وہ حضرت یوسف کے جسم سے مس ہوا تھا. تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کے جسم سے مس ہونے والا کپڑا، جو کپڑا نبی کے جسم سے مس ہو جائے وہ لوگوں کی مشکلیں کشائی کرتا ہے. تو جن کی رگوں میں نبی کا خون ہو، جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون چل رہا ہو، پھر اس خون کی شان کیا ہوگی. اگر کپڑا ہو کر نبی کے جسم سے لگ جائے تو وہ کپڑا مشکل کشائی کرتا ہے، بنائی دیتا ہے. تو جن کی رگوں میں نبی کا خون آ جائے پھر ان کی شان کیا ہوگی. میرے داتا علی حجویری کی ذات وہ ذات ہے جن کی رگوں میں میرے نبی کا خون ہے. آپ امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے ہیں، امام حسن کی اولاد سے ہیں، حضرت زید ابلج کی اولاد سے ہیں، اسنی سید ہیں، اور آپ کا سلسلہ طریقت وہ جنید بغدادی سے، سری سختی سے، پھر معروف کرخی سے، پھر حسن بصری سے، پھر مولا علی سے جا کر ملتا ہے. طریقت کا سلسلہ بھی مولا علی سے، اور خاندانی سلسلہ بھی مولا علی سے. آپ دونوں طریقوں سے مولا علی کے ساتھ وابستہ ہے. بیٹے ہیں وہ حسن مجتبیٰ کے، اور طریقت میں وہ جنیدی سلسلے سے وابستہ ہے. حضرت جنید بغدادی جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، تھے وہ پہلوان،
करते पहलवानी थे, पहलवानी के मैदान में इतना बड़ा मकाम हासिल किया कि उनके मुकाबले में कोई आने वाला नहीं था, उनके जोड़ का पूरी दुनिया में कोई पहलवान नहीं था। खलीफा बगदाद उनको अपने पहलू में बिठाता इज्जत और तकरीम की वजह से कि मेरे पहलवान का पूरी दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। एक दिन खलीफा बगदाद के दरबार में एक कमजोर और नातवां आया। उसने दरबान से कहा कि खलीफा बगदाद को मेरा पैगाम दे दो कि मैं उसके नामी पहलवान जुनैद से कुश्ती करना चाहता हूं। दरबार ने उस कमजोर को देखा, जुनैद की शोहरत को देखा, कहा तू उसके मुकाबले का आदमी नहीं है, तू जानता नहीं है उसका मुकाबला पूरी दुनिया में कोई करने वाला नहीं। उस कमजोर ने बड़ी जुरत से कहा तेरा काम पैगाम पहुंचाना है, इंटरव्यू करना ये तेरा काम नहीं है, खलीफे को जाके मेरा पैगाम दो। उसने जुरत और दलेरी दो दबदबा देखा, खलीफा बगदाद की बारगाह में जाके अर्ज किया हुजूर आदमी तो कमजोर है लेकिन उसके चेहरे में रोब, उसके आवाज में जो गर्ज है उसने मुझे आपकी बारगाह में भेज दिया। वो कहता यह है कि आपके नामी पहलवान जुनैद से कुश्ती करना चाहता। हजरत जुनैद बगदादी भी बैठे हुए थे, उसने कहा बुलाओ। जब सामने आया तो वो कमजोर उसको देखकर जुनैद भी मुस्कुराया, खलीफा बगदाद भी मुस्कुराया कि तू कुश्ती करना चाहता है जुनैद से। उसने कहा हजूर कुश्ती एक फन है, फन के लिए जिसामत और कदामत की जरूरत नहीं होती, यह तो मैदान बताएगा गिरता कौन है गिराता कौन है। उसका यह जुर्तमंदाना अंदाज देखकर खलीफा बगदाद फिर मुस्कुराया और जुनैद की तरफ देखा। जुनैद ने कहा बात तो उसकी ठीक है, कुश्ती एक फन है, फन में कौन गिरता और कौन गिराता है इसके लिए जिसीम और कद और कामत की जरूरत नहीं है। जुनैद से जब बात हो गई खलीफे की, दिन मुकर्रर हो गया, पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया गया कि जिसका कोई मद्दे मुकाबिल ना था उस जुनैद का मद्दे मुकाबिल आ गया। लोग देखने के लिए शौक से आए कि कौन है वो जिसने ये जुरत की जुनैद के मुकाबले में। मजमा लगा हुआ है, खाड़ा लगा हुआ है और जुनैद निकला अपने पहलवानी अंदाज में, हर किसी ने दाद दी लेकिन वो अभी तक मद्दे मुकाबल नहीं आया तो लोगों में चेमगोइयां शुरू हो गई कि वो कौन था जिसने कहा था कि जुनैद से कुश्ती कर ली है, वो मुकाबले में क्यों नहीं आता। जो टाइम मुकर्रर था उस मुकर्रर वक्त में एक कमजोर नातवां भी आया मैदान में, लोगों ने देखकर कहा कि ये जोर तो जुनैद का नहीं है पर इसने किस जुनैद से ऐलान किया है, उसका जिस्म देखो जुनैद का, उसकी ताकत देखो और ये कमजोर तो एक उंगली की मार है, ये कैसे मुकाबला करेगा। उसने करीब आकर जुनैद से सलाम लिया, सलाम लेने के बाद उसने एक बात कही कि जुनैद तो नामी पहलवान है, तेरा दुनिया में कोई जोर नहीं है, मैं पहलवान नहीं हूं एक गरीब से ये ज्यादा हूं, मेरे खानदान कई दिनों से भूखा और प्यासा है और जंगल में है, मेरी बेटियों के तन पे कपड़ा नहीं, हर रोज बगदाद में आता हूं बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेकिन किसी के सामने सवाल करने को जी नहीं चाहता, शाम को वापस पलट जाता हूं, बच्चे चिल्ला के पूछते हैं बाबा कुछ लाए हो, मैं कहता हूं कुछ नहीं लाया, किसी से सवाल करने को जी नहीं चाहता, जो दामने मुस्तफा से वाबस्ता है हामिद वो किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं करते, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते।
जी तो चाहता है ये दरबारे रसालत है, यहां अपनों का क्या कहना, यहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं कर। कहा मेरा दिल नहीं चाहता था किसी से सवाल करूं, इसलिए आज आया हूं, ये बहाना तलाश किया है कि अगर तू गिर जाएगा मुझे इनाम इकराम मिल जाएगा, मैं अपने बच्चों के लिए खाना ले जाऊंगा, अपनी बेटियों के लिए कपड़े ले जाऊंगा जिनके तन पे कपड़े नहीं हैं, और तुझसे वादा करता हूं कि क़यामत के दिन हशर के मैदान में मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं नाना की बारगाह में तेरी सिफारिश करूंगा। अब जुनैद के लिए दो ही चीजें थी, एक तरफ अपनी जात थी, अपनी इज्जत थी, और दूसरी तरफ मुस्तफा की इज्जत थी। एक तरफ पूरी जिंदगी का रिकार्ड था कि जुनैद किसी से कभी गिरा ही नहीं है, कभी उसको किसी ने गिराया ही नहीं है। आज कमजोर से गिर जाए तो जुनैद की अपनी इज्जत खत्म हो जाती है। लेकिन वाह जुनैद बगदादी तेरी अजमत को सलाम, जुनैद ने अपनी इज्जत नबी के नाम पे कुर्बान कर दी, हजूर की आल पे कुर्बान कर दी। बस कुश्ती क्या थी, बाजू में बाजू डाले, एक ही वार में जुनैद जमीन पर था और वो कमजोर उसकी छाती पर था। खलीफा बगदाद ने देखा, पूरे मजमे ने देखा, जो पहलवान कभी किसी से गिरा नहीं था आज वो गिर गया। कमजोर जो देखने में कमजोर नजर आता था वो नामी पहलवान को गिरा के छाती पे बैठ गया। खलीफा बगदाद के अलकारे आए, उठाकर उसको पूरे बगदाद में जश्न मनाया कि ये वो पहलवान है जिसने जुनैद को गिराया। और वो खलीफा बगदाद के दरबार में पहुंचा, उसने इनाम इकराम से नवाजा, लेकिन वो भी रो रहा है और जुनैद उधर लेटा हुआ है। शिगिर्दू ने कहा, उस्ताद जी आप कभी किसी से नहीं गिरे, इस कमजोर से कैसे गिर गए? कहा, खुदा की इज्जत की कसम, सारी जिंदगी पहलवानों को गिराता रहा, वो मजा नहीं आया जो कमजोर से गिर के आ रहा है। और उठा और अपने हुजरे में आया, जुनैद रो रहा था, सैयदादा भी रो रहा था। वो इसलिए रो रहा था कि मदीने वाले आका, मैंने उससे वादा किया है कि क़यामत को तुझे गिरने नहीं दूंगा। जुनैद इसलिए रो रहा था कि मैंने अपनी इज्जत और नमूस नबी की आल पे कुर्बान की है, कब क़यामत आएगी और वादा पूरा होगा। जुनैद हुजरे में था, निगाह में क्या देखते हैं कि मदीने के ताईदार, वो मदीने से नूर बगदाद तक आया, वो नूर खड़ा था दरवाजे पर हजूर की ज़ियारत करने के बाद, यारसुल्ला आप, फरमाया तूने जुनैद बड़े मजमे में मेरे ही बेटे की इज्जत की है, मैं तुझे क़यामत तक इंतजार नहीं करने दूंगा। सीने से लगा के फरमाया, आज के बाद सब वलियों का ताजदार तू है, सैयद ताइफा बना दिया, औलिया का ताजवर बना दिया। वो जुनैद बगदादी जो एक सैयदादे की इज्जत करने के बाद मर्तबे को पहुंचे, हजरत दाता अली हजवेरी सिलसिला तरीकत में उन्हीं की मुरीद है, उन्हीं के सिलसिले में बसता है। खुद दाता पाक की जात वो जात है कि जिनका नाम तो अली है, अली बिन उस्मान बिन अली। आपका नाम भी अली है, बाप का नाम उस्मान है और दादे का नाम भी अली है। गजनवी से आए, जहां से महमूद गजनवी आया था, लेकिन महमूद गजनवी 16 हमले करने के बावजूद नाकाम रहा, कामयाबी उसे नहीं मिली। 16 हमले कर चुका, कामयाबी मिली तब जब अल्लाह के बंदे के कुर्ते के वसीले से दुआ मांगी, तो अल्लाह के नबियों के कपड़े, वलियों के कपड़े, ये भी मुश्किल कुशा है। मुश्किल कुशा वही है, देता वही है, राजक वही है। वो चाहे तो बगैर बाप के ईसा को पैदा कर दे, वो चाहे तो बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर दे, लेकिन निजाम उसका यही है कि माँ बाप से औलाद होती है। चाहे तो बगैर बाप के, बगैर माँ के, बगैर बाप के पैदा कर दे, उसकी शान है, लेकिन निजाम उसका यही है, देता वही है, राजक भी वही है, लेकिन असबाब उसने बना दिए कि रिस्क मिलेगा तो ऐसे मिलेगा। बच्चा पैदा होता है, बाद में पैदा होता है, अल्लाह करीम उसके रिस्क का इंतजाम पहले कर देता है। माँ की छाती में दूध पैदा करता है, कौन करता है?
वही माँ जो हम खाते हैं वो भी वही खाती है, जो रिस्क हम खाते हैं वही औरत खाती है, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है अल्लाह करीम उसी गजा से उसके लिए दूध पैदा कर देता है। मर्द खाए तो दूध पैदा नहीं होता, औरत जब तक बच्चा पैदा ना करे दूध पैदा नहीं होता, जब बच्चा पैदा होता है उसी गजा से अल्लाह करीम दूध पैदा कर देता है। ये उसकी कुदरत है, ये उसकी करीमी है कि खुराक हम भी वही खाए, खुराक औरत भी वही खाए, हमारे साथ मियां बीवी इकट्ठे बैठ के खाए। जब तक बच्चा ना हो दूध नहीं बनता, जब बच्चा पैदा होता है उसी खुराक से मेरा करीम दूध पैदा करता है। ये रज़ाकी है उसकी, ये उसकी करम नवाजी है। लेकिन एक बात याद रखे, अल्लाह ने अपने बंदू को मर्तबे दिए हैं, शान दी है। हमारा बड़े सगीर पाक को हिंद ये तलवार से इस्लाम नहीं आया। अगर फतुहात इस्लामी देखे ईरान तक और अफगानिस्तान तक है, ये जो हमारा खित्ता है पाको हिंद वाला, यहाँ कोई इस्लामी लश्कर नहीं आया। महमूद गजनवी गजनवी से आया लेकिन फतुहात करके लोगों के दिल नहीं जीत सका। जिस गजनवी से महमूद आया था उसी गजनवी से मेरा दाता अली हजवेरी आया। महमूद का जाने का जमाना है और दाता के आने का जमाना है, यानी कि वो बचपना, बल्कि बाद में तो लिखा है कि महमूद गजनवी के दरबार में दाता साहब ने एक फलसफी से और एक यहूदी से मुनाजरा किया जिसमें आपने फतह पाई। लेकिन ये जमाना मौरखीन का कि महमूद गजनवी जा रहा था, जिंदगी के आखिरी अयाम थे और दाता साहब का आगाज था, जवानी के अयाम थे। बाद ने 15-20 साल की उम्र लिखी है, बाद ने इससे काम भी लिखी है। उसी गजनवी से मेरा दाता अली हजवेरी आया, लाहौर में आकर डेरा लगाया, शेख के हुक्म पर आया कि तुम लाहौर जाओ। उन्होंने कहा हुजूर वहां तो हुसैन जानी है, कहा नहीं तुम जाओ। जब लाहौर पहुंचे उनका जनाजा आ रहा था, दाता साहब पहुंचे, उनके पीर भाई हैं, उनका जनाजा आ रहा था। ये यहां से दाखिल हुए और जहां दाता साहब का मजार है यहीं पर आपने क्याम किया, डेरा लगाया। कभी ये रावी यहां से गुजरता था, दरिया अपने रुख बदलते रहते हैं, कभी रावी का यहां से गुजर था, दाता साहब का यहां क्याम हुआ। उस वक्त बहुत कम लोग मुसलमान थे लाहौर में, दाता साहब आने जाने वाले मेहमानों की खिदमत करते, मेहमान नवाजी करते। और एक दिन आपके पास मुल्तान से कोई मेहमान थे, उनके लिए दूध चाहिए और ग्वालन दूध बेचने वाली दूध लेकर जा रही थी, तो कहा बेटी दूध चाहिए, ये दूध मेरे मेहमानों के लिए अगर दे दे तेरे लिए दुआ करूंगा। उसने कहा बाबा आप हैं तो बुजुर्ग, मैं देखती गुजरते हुए अल्लाह अल्लाह करते हैं, लोग आपके पास आते हैं, लेकिन ये दूध जो है ना मेरे पास ये राजू राकट का है, वो जादूगर था, अगर मैंने ये दूध ना दिया तो मेरी भैंसें दूध की बजाय खून देना शुरू कर देंगी। आपने कहा बेटी अगर ये बात है तो आज ये दूध मुझे दे दो, मैं वादा करता हूं कि तेरी भैंसें दूध देने से कभी कम नहीं रहेंगी, ना खून आएगा ना दूध कम होगा। वो औरत थी, औरतों का अकीदा थोड़ा कमजोर होता है, बुजुर्गों को मानने वाली ज्यादा होती है। आजकल के जो हिसाब से अकीदे की जो बातें करते हैं जी, औरतों का अकीदा बड़ा कमजोर है, इनका अकीदा बड़ा कमजोर है, लेकिन हर किसी के साथ कमजोर नहीं है। वो औरतें भी निगाह वाली थी, देखती थी कि बाबा बुजुर्ग है, अल्लाह करता है, अल्लाह अल्लाह करता है, इसके चेहरे को देख के तो खुदा याद आता है, यही अल्लाह के बंदे की निशानी है। दूध उसने दे दिया, वापस पाई तो डरते डरते भैंस के नीचे गई दूध धोने के लिए, डरता कि खून आएगा, लेकर इतना दूध दिया भैंस ने, इतना दूध दिया कि घर के सारे बर्तन मुक गए, लेकर एक ही भैंस का दूध खत्म नहीं हो रहा। हैरान हो, पूरी गुजरू की बस्ती आ गई, क्या हुआ? कहा ये मेरी दूध का भैंस का दूध ही इतना है कि सारे घर के बर्तन मुक गए हैं। उस जमाने में बर्तन इतने ज्यादा नहीं होते थे जितने आज हैं, बर्तन भी हिसाब के होते थे, जरूरत के होते थे। कहा हुआ क्या? कहा होना क्या था? दूध था राजू राकट का,
ले लिया इस बाबे ने, मुझे डर था कि खून आएगा दूध की बजाय, लेकिन मेरी एक ही भैंस में इतना दूध आया कि मेरे घर के बर्तन मोके दूध खत्म नहीं होता। सारे गुज्जर दाता पिया की बारगाह में आए, कहने लगे हजूर हमारी सारी भैंसों का दूध आप ले ले और ये दुआ हमें भी दे दे। आपने फरमाया दुआ तो दूंगा, अब दूध की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत थी वो मैंने ले लिया। वो पहले गुज्जर थे जो दाता पिया के हाथ पे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। भैंस का दूध बढ़ जाना ये कोई तवज्जो वाली बात नहीं है। हजूर जब हिजरत में सफर कर रहे थे तो उम्मे महबत के डेरे पर हजूर गए, उम्मे महबत के डेरे पर हजरत अबू बकर सदीक की जात साथ थे, उम्मे महबत के डेरे पर गए तो उम्मे महबत के डेरे पर जाके हजूर ने कहा कि हमें दूध चाहिए। उम्मे महबत ये काम करती थी कि मुसाफिरों को दूध और खजूर देती थी। उसने कहा मेरे पास दूध नहीं है, मेरे पास दूध नहीं है, बकरियां सब बार चरने के लिए गई है। तो एक कोने में एक बकरी थी, हजूर ने पूछा इसकी क्या हालत है। उसने कहा यार सुल्ला, उसने कहा वो जानती तो थी नहीं कि ये हजूर है। उसने कहा सोने मुखड़े वाले ये दूध वाली नहीं है, यानी कि अभी इसने दूध दिया ही नहीं है, बच्ची है अभी। हजूर ने फरमाया अगर इजाजत दे तो हम इससे दूध ले ले। उम्मे महबत कहती है मैं मुस्कुराई कि ये तो दूध वाली नहीं है तो दूध कैसे देगी। कहती है मैंने कहा ले ले, मैंने इजाजत दे दी ले ले। तो हजूर जब करीब गए तो वो बीमार थी इसलिए घर में थी। हजूर करीब हुए तो वो अकड़ के खड़ी हो गई। हजूर ने उसकी पुश्त पे हाथ फेरा, फिर उसके थनों पे हाथ फेरा, उसके थन बढ़ गए, दूध से भर गए। उम्मे महबत कहती है हजूर दूध धोने लगे, पूरे घर के बर्तन मैंने दिए, पूरे घर के बर्तन, सारे बर्तन हमारे पुर हो गए लेकिन बकरी का दूध खत्म नहीं हुआ। फरमाती है मैंने उस सोने मुखड़े वाले को देखा, उसने पहले अपने साथी को पिलाया हज़रत अबू बकर को, फिर खुद पिया, फिर मेरे घर के बर्तन भर दिए। फरमाती है मैं हैरान थी, वो बकरी सुई नहीं है, बच्चे नहीं दिए उसने, लेकिन जब चाहते जितना चाहते दूध उससे ले लेते। तो जो काम नबी का बतौरे मौजा हो जाए वो काम वली का बतौरे करामत हो जाता है। और जिस अजमत का कोई नबी गुजरा है वलियों में उसी अजमत का वली गुजरा है। उधर मुस्तफा ने बकरी से दूध लिया, इधर मेरे दाता ने भैंस से दूध लिया। वो कहती है बीबी कि मेरे घर के बर्तन मुक गए लेकिन दूध खत्म नहीं हुआ। वो पहली बस्ती गुजरू की थी जो दाता पिया के हाथ पे मुसलमान हुई। और अल्लाह की इज्जत की कसम गुजर भी ऐसी कौम है जिन्होंने एक बात आज तक याद रखी है। मलिक साहब पूरा साल दूध आपको खालिस पाकिस्तान में नहीं मिल सकता, पूरा साल पानी मिला के मिलेगा। उत्ते खलो कि भी तुसी कदी आखो ना मैं खालिस लैणा है, वह पता नहीं कितों नाली विच पा के दूध पा ही देंदे ने। लेकिन दाता साहब के उर्स पर आपको 3 दिन दूध मिलेगा और खालिस मिलेगा, उसमें कोई पानी नहीं होगा। अल्लाह की मखलूक पी रही है, जमाना भर पीता है वहां पर, लेकिन खालस दूध मिलता है, कोई वहां पानी नहीं मिलाता। गुजरू ने यह बात याद रखी हुई है कि हमारे अबाओ अजदाद को इस्लाम किसने दिया था। वो कहते हैं दाता अली हजवेरी ने दिया था। हम मुसलमान दाता पिया के हाथ पर हुए थे और दूध हमारी माँ ने पहले दिया था, बाद में मुसलमान हुए थे। पूरा साल वो पानी मिलाकर बेचते हैं, यहां बेचते नहीं है, फ्री देते हैं। और शबीले लगी हुई हैं, दुनिया पी रही है और खालिस दूध मिलता है। तो इस्लाम बरेसगीर पाक व हिंद में वो किसी की तलवार से नहीं फैला। मुजाहिदीन इस्लाम तो ईरान तक आए हैं, अफगानिस्तान तक आए हैं। ये हमारा खिता किसने मुसलमान किया? ये दाता पिया की निगाह से मुसलमान हुआ, जिसको इकबाल कहता है फक्र सल्तनत में बस इम्तियाज इतना, वो सिपाह की तेगबाजी ये निगाह की तेगबाजी। वो कहता है बादशाही में और फकीर में ये फर्क है कि बादशाह तलवार से अपनी बात मनवाता है और फकीर अपनी निगाह से सीने को पाक करता है। 1000 साल तकरीबन हो चुका है, 900 से ज्यादा हो चुका है दाता पिया को विशाल को, लेकिन 1000 साल गुजरने के बावजूद भी 24 आवर वहां हजूम रहता है, मखलूक खुदा रहती है। और कोई ऐसा वक्त नहीं जहां वहां मखलूक खुदा ना हो, और कोई ऐसा लम्हा नहीं जहां दुनिया को खाने को मिलने ना मिले। बाहर आप आ निकलेंगे दाता का लंगर जारी है, दुनिया खा रही है,
کئی ہزار مخلوق خدا ہر روز کھاتی ہے، جس کو اقبال کہتا ہے کہ خا، اقبال کہتا ہے خاک پنجاب از دمے او زندہ شد، صبح ما از میرے او تابندہ شد، داتا تیرے قدموں کی برکت سے پنجاب کی ترتی زندہ ہے، تیرے قدم لگے تو پنجاب زندہ ہو گیا، جس کو معین الدین ہند کا بے تاج بادشاہ، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا، 40 دن قدموں میں بیٹھ کر چلا کشی کرنے والا، جب اٹھا تو زبان پر بے ساختہ تھا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسان را پیر کامل کاملا را رہنما، داتا تو تو گنج بخشے تو تو خدا نے تقسیم کرتا ہے، مظہر نور خدا تو تو خدا کے نور کا مظہر ہے، اور تو ناقصو کا پیر کامل ہے، اور مجھ جیسو کا بھی تو رہنما ہے، جو منزلے خراسان کے جنگلوں میں طے نہ کر سکا وہ تیرے قدموں میں آ کے طے ہوگی ہے۔ تو داتا پیا کی ذات، آج ان کا عرس پاک ہے لاہور میں، داتا پیا کی ذات جو ہے وہ پنجاب کا بادشاہ ہے، داتا کے نام سے دنیا جانتی ہے کہ ایک نام، نام علی ہے، آپ کا نام علی ہے، باپ کا نام عثمان ہے، دادے کا نام بھی علی ہے، کیا سونا عقیدہ ہے میرے داتا پاک کا، علی عثمان علی، عثمان کی حفاظت ادھر بھی علی کر رہا ہے، ادھر بھی علی کر رہا ہے، یعنی کہ اپنا نام بھی علی ہے، دادے کا نام بھی علی ہے، درمیان میں عثمان ہے، عثمان غنی بھی مصطفیٰ کریم کے داماد ہیں، حیادار ہیں۔ اور داتا پیا کے بار ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف او، ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف او، عثمان آب زمزم علی حجی اکبر است۔ سبحان اللہ، آپ بھی کہہ دیں، ہاں یہ اچھا شعر ہے، ابو بکر ہم چکابہ، ابو بکر کی مثال ایسے ہے جیسے کعبہ ہے، عمر در طواف او، عمر کی مثال ایسے جیسے مطاف ہے، کعبے کے ارد گرد جو طواف کرتے ہیں مطاف ہے، عثمان آب زمزم، عثمان کی مثال ایسے جیسے آب زمزم ہے، پینے سے شفا ہوتی ہے، اور علی حجی اکبر است، علی کی ذات وہ ذات ہے جس کا دیدار کرنے سے بھی عبادت ہوتی ہے، حجی اکبر ہے، ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف او، عثمان آب زمزم علی حجی اکبر است۔ یہ عقیدہ دیا ہمیں داتا علی حجویری نے کہ ہم ابو بکر کے بھی غلام، عمر کے بھی غلام، عثمان کے بھی غلام، علی کے بھی غلام، یہ نبی کے وہ غلام ہیں جو حضور کی جان ہیں، حضور کے قریب ہیں، حضور سے رشتہ ہے، حضور سے محبت ہے، دو سسر ہیں، دو داماد ہیں، یہ ان کے مرتبے اور شان ہیں۔ یہ عقیدہ دیا ہمیں حضرت داتا پیا کی ذات پاک نے۔ اللہ تعالیٰ داتا پیا کے صدقے میرے پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پنجاب کو سلامت رکھے، پورے پاکستان کو سلامت رکھے، اور کوئی داتا کا غلام ہمیں ہادی مل جائے، جو داتا کا درس دے، جو اس نظریے کو پیش کرے جو داتا لے کر آئے تھے۔ اللہ کریم پاکستان کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اللہ کریم، بھائی اسلم صاحب نام تھا نا، کارڈو والوں کا، اللہ تعالیٰ صاحب، ہاں بھائی داتا صاحب ہمارے ملک برادران کے عزیز تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے، میں نے پرسوں بھائی مقبول کو فون کیا تو یہ کہہ لے کارڈو میں ہوں، تو بھائی الطاف صاحب مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو شادی میں آئے تھے ہوٹل میں، تو مجھے تو کہنے لگے شاہ صاحب ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں ٹی وی میں، بڑے خوش ہوتے ہیں، تو بڑی محبت سے ملے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ خاندان کے جملہ افراد کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک مقاصد پورے فرمائے، اللہ تعالیٰ سب برادران کو سلامت رکھے، آج کل بھائی منظور اور غفور دونوں غائب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہاں ہیں سلامت رکھے، آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ میرا آپ کا جمعہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اب سنتے ہیں دعا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء عظیم الرجا عمیم الجود والعطا ما هی ذنوب والخطا الذی کان نبی واد۔ افغانستان کے مسلمانوں پہ کرم فرما، یا اللہ پاک ہمارے سردارے کو بھی آباد و شاد فرما،
या अल्लाह पाक तमाम कियामीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इलाही सब की अनेक हाजात को पूरा फरमा। दाता अली हजवेरी की अज़मत के सदके पाकिस्तान को मेरे मौला हर शर से महफूज फरमा, मेरे मौला हर शर से महफूज फरमा। दाता पिया की अज़मत के सदके हमें औलिया कामलीन की मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हज़ूर के वालदैन करीमैन के सदके हम सब के वालदैन की बख्शिश फरमा। डॉक्टर साहब के लिए खुशी दुआ, या अल्लाह पाक उनके बरादरान के लिए भी दुआ इज़्ज़त व अज़मत नसीब फरमा। तमाम मकासद में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। या अल्लाह पाक के सदारे को भी आबाद उशाद फरमा। या अल्लाह पाक रहमत आलम की रहमत के सदके हम सब की आमीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए मिले ने कामयाबियों कामरानी अता फरमा। सबको अपने बच्चों की खुशियाँ नसीब फरमा। हर वालदेन को अपने बच्चों की खुशियाँ अता फरमा। हर बच्चे को अपने माँ बाप की फरमा बरदाई नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन वाला आलिही व सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।